हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। समय जो है लगातार कम होता जा रहा है और आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आता जा रहा है, तो पढ़ाई को जारी रखिए, बंद मत कीजिए, क्योंकि समय आपको पता नहीं चलेगा कब निकल जाएगा और एग्ज़ाम आपका आ जाएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिनका पेपर सेकेंड में SST सब्जेक्ट है, तो वो SST को कैसे हल करें, कैसे उसे कंप्लीट करें कि उसमें अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि SST का अपना बहुत बड़ा रोल है। 60 नंबर की SST पूछी जाती है, CDP आपका 30 नंबर का रहता है पेपर सेकेंड में, उसके बाद दो लैंग्वेज हैं जो भी आप चूज करते हैं वो 30-30 नंबर की पूछी जाती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल हो जाता है SST का। यदि आप इसमें कम नंबर लाते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको SST अच्छे से तैयार करना है और SST को समय भी ज़्यादा देना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सब्जेक्ट एक साथ पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय देना है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार से पढ़ें, क्या क्या पढ़ना है कि इसमें अच्छे नंबर ला सकें और पेपर जो है आसानी से पास हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपका पेपर सेकेंड में SST सब्जेक्ट है तो आपको प्रीवियस ईयर के सभी पेपर पढ़ने हैं। उसमें जो भी SST के क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि जो पेपर बनता है उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन प्रश्न वही घुमा फिराकर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ लेने हैं। यदि आपने अभी भी तैयारी अपनी शुरू नहीं की है तो अभी से शुरू कर दीजिए, आप कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। अभी समय है तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए यदि आपने नहीं की है, और यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर जनवरी 2021 तक ऑफलाइन पेपर हुए थे, तो ये ऑफलाइन वाले पेपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप लोग उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उसका डिटेल पढ़ लीजिए। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग वो बुक्स भी खरीद सकते हैं और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जनवरी 2021 तक ऑफलाइन पेपर हुए थे, उसके बाद दिसंबर 2021 में और 22 में ऑनलाइन पेपर हुए थे। तो ऑनलाइन वाले पेपर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो वो पेपर भी आप लोग पढ़ लीजिए। आप देखेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऑफलाइन में पूछे गए थे और ऑनलाइन में भी पूछे गए थे, यानी कि पेपर जो है प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बनाया जाता है, काफ़ी क्वेश्चन वही ले लिए जाते हैं। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा। 2023 में 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन पेपर हुआ था, इसे भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और अभी जो पेपर हुआ है जनवरी 2024 में, वो भी ऑफलाइन हुआ है, तो इसके भी सभी प्रश्न आप पढ़ लीजिए। और जो 7 जुलाई को पेपर होने वाला है वो भी ऑफलाइन होगा, तो पहले आप सभी ऑफलाइन वाले पेपर कंप्लीट कर लीजिए, फिर समय बचता है तो ऑनलाइन वाले पेपर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। उनमें जो क्वेश्चन आपको नया लगे तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप ज़रूर पढ़िए, उन्हें मत छोड़िए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि पेपर जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ही बनता है और काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे जो पहले पूछे गए हैं, दोबारा से पेपर जब हुआ उसमें भी पूछ लिए गए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम दिखेंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए। अब बात करते हैं NCERT। तो आपको क्या करना है, क्लास 6, 7, 8 की आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों ही कंप्लीट पढ़ लेनी है। जो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की बुक चलती है NCERT की, उसमें जो भी बुक ये चलती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो इन्हें आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन NCERT से ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही लाइन छपी रहती है।
तो यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लिए फिर एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। काफ़ी क्या, लगभग सभी प्रश्न ही एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ें ही आपको करनी हैं, एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना है और क्लास सिक्स, क्लास सेवन्थ और क्लास एट्थ की कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को पढ़ना है और अच्छे नंबर आप एसएसटी में प्राप्त कर सकते हैं। तो दो चीज़ें आप लोग कर लीजिए, समय अभी है पर्याप्त, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी भी कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई जो है यदि आपने शुरू नहीं की है, मैं फिर से कह रही हूँ, तो अभी आप शुरू कर दीजिए, पर्याप्त समय है, आप लोग आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने अपने चैनल पर एनसीईआरटी, इसी चैनल पर मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लास सिक्स और क्लास सेवन्थ कंप्लीट हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है, क्लास एट्थ से पढ़ने वाली है। तो आप लोग यदि खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, क्लास एट्थ की मैं अब शुरुआत करने वाली हूँ। तो क्लास सिक्स और क्लास सेवन्थ हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, कंप्लीट पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। जनवरी 2021 तक मैं ऑफलाइन वाले पेपर करवा चुकी हूँ कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है जनवरी 2021 तक, जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं ऑनलाइन वाले पेपर पढ़ा रही हूँ, जो ऑनलाइन वाले पेपर में एसएसटी के जो क्वेश्चन हैं, अब मैं ऑनलाइन वाले पेपर के एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और यदि आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप लोग मेरी वीडियो देखिए। अगर आपको लगे कि कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, सभी वीडियो मैंने सन लिख दिया है कि कौन सा पेपर कब का है, यानी कि 2012 वाला पेपर है तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें मैंने 2012 वाला पेपर कराया है, उसके बाद 2013 वाला, क्रम से मैंने पेपर करवाए हैं। जनवरी 2021 तक ऑफलाइन पेपर करवा दिए हैं, अब मैं ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एसएसटी से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो या वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी। और एनसीईआरटी की वीडियो देखने के बाद आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे जिसमें आपको डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। मैं कंप्लीट, मैंने सिक्स, क्लास सिक्स और क्लास सेवन्थ पढ़ाया है, क्लास एट्थ भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगी, यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं क्लास एट्थ को भी कंप्लीट पढ़ा दूंगी। जैसे ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं पॉलिटी की शुरुआत कर दूंगी। मैंने पहले भी जो जनवरी में पेपर हुआ है उसके लिए मैंने कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाया था, और अभी भी मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पॉलिटी की बुक की शुरुआत करूँगी। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए।